वो कहती है क्या खूबसूरत मंजर है वाह, काश कोई मोहब्बत करने वाला होता तो लगता कि हम जन्नत में हैं। देखो कितनी खूबसूरत हवाएं चलती हैं, फूल खिले हैं, फल लगे हैं, मगर जिंदगी कितनी सोनी सोनी है। वो ये बात अभी कह ही रही थी कि सामने से कोई शख्स आता सा नजर आया। वो करीब आया, आके बैठा। उसने कहा, आदाब, मैं एक मुसव्विर हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, मैंने ये तस्वीर बनाई है आपकी, देखिए ये मेरी मोहब्बत की अलामत है कि ऐसी सच्ची तस्वीर, ये तस्वीर देखें और मेरी मोहब्बत कबूल कर लें। अब जलपरी के देखें, लोगों ने हजार जलपरियां देखी होंगी लेकिन इस तस्वीर को देख के वो सबको भूल जाएंगे और आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती में खो जाएंगे। उसने कहा आमीन। साइकिल साइकिल देखिए, आप जब तक देते रहेंगे दास्तान चलती रहेगी। तो क्या करते जी, कोई साया। शहजादी ने कहा कि मालूम देता है तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, ऐसी बहती बहती सी बातें कर रहे हो। देखिए तीरगी से काम न ले, शायर हूँ, मुसव्विर हूँ, आपके लिए तस्वीर बना के लाया हूँ। ऐलान हुआ है तुम्हें, हम तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर लेंगे इस तस्वीर के बाद में हम शहजादे। बड़े अफसोस की बात है कि मोहब्बत करने वालों की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। आप शहजादी हैं तो क्या हम भी तो मोहब्बत करते हैं, सबसे कीमती खजाना रखते हैं। राहे फरार। तुम राहे फरार इख्तियार करो, यहाँ से तुम्हारी हड्डियों की खैरत किसी खैरियत इसी में है, जल्दी पकड़ो तुम राहे फरार। इसे सुन उसने कहा, देखिए ये तो तानाशाही की बातें हैं, हम कह रहे हैं हमें मोहब्बत हो गई और आप शहजादी, आप कह रही है कि तुम यहाँ से राहे फरार इख्तियार करो, ऐसे नहीं होगा भाई। तो बात तो आराम से होगी कि देखिए हम मोहब्बत के हम मोहब्बत की बात लाए हैं, चलिए आखिरी फैसला यहाँ मान लें कि दोस्ती कबूल कर लीजिए, फिर आगे सोचेंगे बताएंगे। जी तुम्हें मालूम है कितनी जहीन बातें तुम कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, खैर खबर है कुछ? इसे सुन फिर आगे कहा, देखिए मोहब्बत बखीलों का काम नहीं है, बादशाह से डरते हैं, मौत से डरते हैं। अब खादिमा ने कहा, वसल, खादिमा ने कहा मियां इस वसल की प्यास में तुम्हारी हड्डियां जरूर फूटे, पहले भी याद है वो भी ऐसी बातें कर रहा था लंबी लंबी। देखिए एक लफ्ज है बरंगेख्ता होना, अब मिसाल के तौर पे लफ्ज ऐसा है कि वो थी ना श्रोता वंदना, उसका फायदा नहीं। अब ये ऐसी चीज है कि आदमी को समझ नहीं, लेकिन एक मिनट बरंगेख्ता, इससे पहले एक लफ्ज क्या था, दर्द पुरकश। मियां बातें बड़ी पुरकश करते हो लेकिन हड्डियां टूटेंगी तो दर्द इतना होगा कि बरंगेख्ता को पुकारते फिरोगे वही हकीम तुम्हारा इलाज करेगा। कौन सा हकीम है, पैरों के उधर से मलका आलिया तशरीफ लाई और उन्होंने कहा, जी
कम से कम हसीना आख्ता हसीना हसीना फिराक के मलका आलिया आई और उन्होंने कहा कि भाई हमें फाख्ता की आवाज से आ रही थी, हमने कहा कि हमारी शहजादी हसीना कहाँ है, चले हम उसे देखें कि बेटा तुम्हारी फिराक में मैं यहाँ तक बाग में आई, ये कौन बैठा है, क्या तस्वीर है इसके हाथ में। जी रंजिश रंजिश दस्तरख्वा दस्तरख्वा दस्तरखान रंजिश दस्तरखान पे रंजिश उस जो तस्वीर बना के लाया था आशिक ने कहा कि मल